Hey guys, welcome to Wi-Fi City, changing the way of learning. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल Wi-Fi City पे। तो गाइस, जैसा कि आपको मालूम है, आज है 5 नवंबर और सुबह के बज चुके हैं 5। और हमेशा की तरह दोस्तों, आप लोग जाग चुके होंगे और अपने दिन की शुरुआत है जो कि करने के अंदर जुट गए होंगे, क्योंकि सुबह 5 बजे से क्लासेस है जो कि आपको करनी होती है। और उम्मीद करता हूँ कि जल्दी सोते होंगे, जल्दी उठते होंगे। ठीक है गाइस, तो सुबह जल्दी उठने की आदत डाल लो यार। जितना जल्दी उठोगे ना, उतना लाइफ में आगे बढ़ोगे, उतना ज्यादा टाइम आपको जीवन में किसी और से ज्यादा मिलेगा कुछ भी करने के लिए। समझ गए? क्योंकि जो सुबह वाला टाइम होता है गाइस, ये बहुत जबरदस्त होता है। ओके, ये मिरेकल मॉर्निंग जो है ना, ये बहुत जबरदस्त काम करती है आपकी लाइफ के अंदर। चलिए तो शुरुआत करते हैं, और 5 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखेंगे। सबसे पहले कोट ऑफ द डे, जो कि आज हमारे धोनी जी का एक कोट है जो कि लिया है हमने, टेक एक्शन इन साइलेंस, नो लायन अटैक्स इन नॉइज। आपको मालूम है कि जिस तरीके से दोस्तों धोनी का पेशेंस लेवल, जिस तरीके से धोनी एक्ट किया करते थे, हमेशा हमेशा साइलेंटली जो है काम किया करते थे। हमेशा जो कोरे बर्तन होते हैं ना, वो बहुत उछलते हैं, और जो सही होते हैं ना, जो लोग, वो हमेशा साइलेंट में रह के काम करते हैं। समझ रहे हो? वो ज्यादा शोर शराबा नहीं मचाते, ज्यादा हल्ला उल्ला नहीं मचाते हैं। तो कोई भी लायक जैसे कि नॉइस में अटैक नहीं करता, उसी तरीके से आपको भी अपना काम जो है वो फोकस होकर अपने जीवन के ऊपर लगाना है, ताकि आप खुद का अच्छा कर सके, अपने फैमिली का, अपने सोसाइटी का, अपने देश का अच्छा है जो कि कर सके। चलिए गाइस, उम्मीद करता हूँ आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ में। अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है, चाहे फिर वो यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंक, रेलवे, कोई कैट हो, कोई सा भी हो, आप BHU 10 या फिर BHU NESH BHUNESH 10 यूज कर सकते हैं 10% ऑफ के लिए। एसएससी में मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है गाइस, आप अपने सभी एग्जाम की तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि जो मैं यहाँ पे जीके पढ़ा रहा हूँ, वो आपको दोस्तों अच्छे लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। आप PCS तक के एग्जाम है जो कि इजीली क्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक, इकोनॉमिक्स, साइंस सब कुछ कंप्लीट करवा रहा हूँ, मात्र 450 रुपये पर मंथ के अंदर EMI के थ्रू आप पे कर सकते हैं। और ना सिर्फ मेरी क्लास मिलेगी आपको, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GS की इंडिया के सारे टॉप एजुकेटरी क्लासेस अवेलेबल हो जाएगी। उसी प्रकार से UPSC में भी मैं आप लोगों के लिए 1.5 साल का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है जो कि लेके आया हूँ 2021 के लिए, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त है, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। भारत की पहली सौर संचालित लघु ट्रेन डैश में शुरू करी गई है। तो ये जो फर्स्ट सोलर पावर्ड मिनिएचर ट्रेन है दोस्तों, ये कहाँ पर स्टार्ट करी गई है? इसको पहली बार दोस्तों केरला के अंदर लॉन्च है जो कि किया गया है। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फर्स्ट सोलर एनर्जी ड्रिवन मिनिएचर ट्रेन। ओके, वैली टूरिस्ट विलेज है केरला के अंदर, 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, 2.5 किलोमीटर ये 3 बोगीज के अंदर कवर करेगी। फुली इक्विप्ड रेल सिस्टम है इसमें, टर्नल, स्टेशन, टिकट ऑफिस सब कुछ इंक्लूडेड है। देख सकते हो आप दोस्तों, ये है वैली टूरिस्ट विलेज। ओके, वैली लेक है वहां पर ये अवेलेबल है। तिरुवनंतपुरम से 12 किलोमीटर है जो कि ये दूर है। केरला की बात करें, 1956 में स्टेट का फॉर्मेशन हुआ, तिरुवनंतपुरम कैपिटल, 14 डिस्ट्रिक्ट है, आरिफ मोहम्मद खान जी गवर्नर, पिनाराई विजयन जी सीएम है, 144 विधानसभा, 20 लोकसभा, 9 राज्यसभा की सीटें हैं। फेमस फेस्टिवल ओणम, विष्णु और विशु, इसके अलावा सबरीमाला टेम्पल फेस्टिवल होता है विशु के अलावा, और पूरम, नेहरू बोट ट्रॉफी भी दोस्तों बहुत ही फेमस है यहाँ पे। लेक में वेमनाथ, अस्तामुदी, बैक वाटर्स में अलपूजा, कोलम बड़े फेमस है। और रिसेंटली न्यूज की बात करें तो इन्होंने दोस्तों एक पोस्ट कोविड ट्रीटमेंट क्लिनिक है जो कि लॉन्च किया है। इसके अलावा एडवांस्ड वायरोलॉजी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस वायरोलॉजी इन्होंने लॉन्च किया है। इसके अलावा यहाँ की जो के उषा जी थी, चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस केरला हाईकोर्ट की, उनकी मृत्यु हो गई। PATA, पैसिफिक एशिया ट्रेवल एसोसिएशन के द्वारा मार्केटिंग के लिए 2020 का अवार्ड मिला है। इनका कैंपेन था ह्यूमन बाय नेचर कैंपेन। उसको फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर इन्होंने बनाया, फर्स्ट मरीन एम्बुलेंस प्रतीक्षा इनके द्वारा लॉन्च करी गई, और नमत बसाई नाम का एक ट्राइबल स्कूल है जो कि इनके द्वारा प्रोग्राम है जो कि चलाया गया है। पहली बार इंटरपोल ने अपनी महासभा को स्थगित करने का फैसला किया है जो दिसंबर में डैश में होने वाली थी। इंटरपोल कुछ भी नहीं है गाइस, ये इंटरनेशनल पुलिस है, यानी कि दुनिया की सारी कंट्रीज जो है ना, कंट्री की जो पुलिस है वो एक दूसरे की हेल्प करती है, समझ गए? और इस ये UAE के अंदर है जो कि होने वाली थी, और अभी इसको पोस्टपोन कर दिया गया है बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं दुनिया के 194 कंट्रीज है जो कि इसके मेंबर है। आज फॉर एग्जाम्पल कोई हमारा क्रिमिनल दूसरे देश में चला गया, तो वहां की पुलिस हमें मदद करेगी, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, कोऑर्डिनेट करती है आपस में।
हेडक्वार्टर कहां पर है? फ्रांस के अंदर, लायन के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है गाइस, ये देख सकते हो, रेड नोटिस वांटेड पर्सन के लिए जारी होता है, येलो नोटिस मिसिंग के लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ब्लू नोटिस जारी होता है, अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए ब्लैक नोटिस जारी होता है, वार्निंग और इंटेलिजेंस के लिए ग्रीन, ऑरेंज होता है इमिनेंट थ्रेट के लिए, मोडस ऑपरेंडी पर्पल नोटिस के लिए। ओके, इस तरीके से अलग अलग नोटिस है। बोलते ना कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया, इसका मतलब क्या है कि वो वांटेड पर्सन को लेकर है। भारतीय वायुसेना के 3 राफेल फाइटर जेट का दूसरा बैच फ्रांस से डैश एयरबेस पहुंचा है। तो कौन से एयरबेस पहुंचा है? ये जामनगर गुजरात के एयरबेस तक दोस्तों पहुंचा है, पहला बैच है। ओके, जो कि आपको मालूम है अंबाला में आया था, और दूसरा वाला अभी जामनगर के अंदर आया है। ओके, बाकी जो राफेल के बारे में तो आपको मालूम ही है, कितना तो पूरे देश के मीडिया ने बता दिया, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भांग के वृक्षारोपण के बड़े पैमाने को नष्ट करने के लिए रिमोट सेंसिंग टेक्निक, मशीन लर्निंग एल्गोरिज्म और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करेगा? तो दोस्तों कौन सा राज्य? उड़ीसा है, जो कि ऐसा करने वाला है कि टेक्नोलॉजी की मदद से जहां जहां पे ये जो है ना कैनबिस के जो प्लांट लगे गए हैं, भांग के गांजा के जो ये प्लांट है ना, इनको दोस्तों पता करेगा। ओके, ताकि इनको डिस्ट्रक्ट कर सके, क्योंकि आपको मालूम है काफी लोग घरों में वाके जो है लगे रहते हैं, है ना। और यहाँ पे देख सकते हैं 1100 क्विंटल से भी ज्यादा का सीज किया गया है। ओके, उड़ीसा जो है वन ऑफ द लीडिंग कैनाबिस प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के अंदर। भारतीय सेना ने अत्यधिक ठंड के मौसम के कपड़ों की प्रारंभिक खेप चीन सीमा पर तैनात अपने सैनिकों के लिए निम्नलिखित में से किस देश से प्राप्त करी है? तो आपको मालूम है गाइस, हमारे आर्मी ने अभी कुछ टाइम पहले बोला भी था कि भाई अभी चाइना तो जो है वो कोल्ड के अंदर लड़ लेगा, हमारे पास तो अभी क्लोथ ही नहीं है लड़ने के लिए हाई एल्टीट्यूड के ऊपर, जहां पर माइनस में टेम्परेचर होता है। हमारे पास क्लोथ है मतलब, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी हमें ज्यादा सेना लगाने की जरूरत है। तो अभी हमने दोस्तों यूएसए से जो है ये खपत है जो कि मंगाई है। ओके, तो ताकि हमारे ट्रूप्स जो है वो बॉर्डर पे रह के अच्छी तरीके से दोस्तों सामना कर सके। भारतीय तटरक्षक जहाज C-452 को रत्नागिरी में कमीशन किया गया है। C-452 का निर्माण डैश द्वारा किया गया है। तो भाई जो ये C-42 का जो निर्माण किया गया ना, ये L&T के द्वारा किया गया, बहुत ही बड़ी कंपनी है, आप सभी ने इसका नाम सुना होगा। ओके गाइस, तो अभी इसको रिसेंटली इंडिजिनियसली L&T के द्वारा शिपयार्ड है सूरत के अंदर है वहां पे इसको बनाया गया है। और ये जो सी, ये दिख रहा है आपको C-452 क्या काम करेगी? ये एंटी स्मगलिंग, मरीन सर्विलियंस, रिसर्च एंड रेस्क्यू, ये सारे काम है जो कि करेगी। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करें, 78 में फॉर्मेशन हुआ, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में अंडर में काम करते हैं। ओके, और 4 हेडक्वार्टर है, मतलब पोर्ट ब्लेयर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, गांधीनगर में। 1 फरवरी को कोस्ट गार्ड डे मनाते हैं, और अभी नटराजन जी है जो कि डायरेक्टर जनरल है। ये देखिए L&T की बात करें, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई के अंदर, बहुत ही पुरानी कंपनी है गाइस, 1938 की। लार्सन टबोवर के 2 पर्सन थे, उनके द्वारा इसकी शुरुआत करी गई थी। ओके, फिर बाद में इंडियंस ने इसको अक्वायर किया, और अनिल मनी भाई नायक है जो कि अभी इसके चेयरमैन है। ओके, MD और CEO की बात करें तो रमन जी, सुब्रमण्यम जी है, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, जो कि MD और CEO है, काफी बड़ी कंपनी है। निम्नलिखित में से कौन पुस्तक पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के लेखक है? तो पैंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी के जो लेखक है उनका नाम है दोस्तों टी बंदोपाध्याय। बी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये देख सकते हो पैंडेमोनियम जो है तमल बंदोपाध्याय के द्वारा दोस्तों एक किताब है जो कि लिखी गई, जो कि चैलेंजेस हमारे इकोनॉमी के अंदर जो प्रॉब्लम है उसको लेकर यहाँ पे बयां कर रही है। महारानी जिंदल कौर हाल ही में खबरों में थी, वह डैश की पत्नी थी। जिंदल कौर जी दोस्तों जो अभी रिसेंटली फेमस हुई है, वो इसलिए, ये लास्ट दोस्तों वाइफ हुआ करती थी हमारे महाराज रणजीत सिंह जी की। ओके गाइस, तो आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली इनकी ज्वेलरी जो है ना वो ऑक्शन करी गई है लंदन के अंदर, इसीलिए दोस्तों काफी न्यूज में रही है। 45 साल की उम्र में 1863 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ओके, ये मदर थी महाराजा दुलीप सिंह की, जो कि लास्ट रूलर इसके एम्पायर के माने जाते हैं। रणजीत सिंह की बात करें दोस्तों तो बहुत ही जबरदस्त फाइटर थे, और 1780 में इनका पाकिस्तान वाले एरिया में जो है जन्म हुआ था। ठीक है, उस टाइम पे दोस्तों काफी सारे लोग हैं जो कि पंजाब को रूल किया करते थे, लेकिन इन्होंने दोस्तों पंजाब के अंदर सिख एम्पायर की स्थापना करी थी। ओके, जितने भी लोग थे वहां पे सबको, जितने भी छोटे मोटे राजा थे सबको भगाया। लायन ऑफ पंजाब, शेरे पंजाब का भी दोस्तों टाइटल इनको मिलता है, अफगान के इन्वेडर से इन्होंने दोस्तों उसको आजादी दिलाई थी उस एरिया को। ओके, हिस्ट्री की बात करें तो 5 ट्रिब्यूटरी रिवर जो है इंडस रिवर की जो है झेलम चिनाब रवि ब्यास सतलज, दोस्तों उसके लिए इसको पंजाब, 5 नदियों जहां पे बहती है उसी को पंजाब कहा जाता था।
ओके, महाराजा रणजीत सिंह जिनको शेरे पंजाब कहते हैं, उन्होंने 19th सेंचुरी में दोस्तों एरिया ऑक्यूपाई किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाद में टेक ओवर किया 1849 के अंदर, और बाद में रिलीजियस लाइन के ऊपर डिवीजन हो गया ईस्ट और वेस्ट पंजाब के अंदर। ठीक है, पंजाब रीजन में ही सिखिज्म का ओरिजिनेशन हुआ है। यहाँ पे 75% टोटल सिख पॉपुलेशन वर्ल्ड की। फेस्टिवल लोहरी बैसाखी बड़ा फेमस है। ओके, इसके अलावा जोर मेला बड़ा फेमस है। डांसेस में भंगड़ा, धमल, सम्मी। पीएम मोदी ने गुरु रामदास जी के प्रकाश पुराब पर लोगों का अभिवादन किया। गुरु रामदास जी ने दहेज शहर की स्थापना करी थी। तो दोस्तों, प्रकाश पूरब की बात करें तो ये जो मनाई गई है गुरु रामदास जी के बर्थडे पे मनाई गई, और ये इन्होंने अमृतसर की स्थापना है दोस्तों जो कि करी थी। ओके गाइस, तो मोदी जी ने यहाँ पे ग्रीटिंग दी है पूरे देशवासियों को। फोर्थ गुरु थे दोस्तों 10 गुरु ऑफ सिखिज्म के अंदर, और 1574 के अंदर इनका जन्म होता है। सिख लीडर रहे दोस्तों 1581 तक, और अमृतसर की दोस्तों इन्हीं की दोबारा शुरुआत करेंगे। देख सकते हैं रामदास जी, फोर्थ गुरु। ओके, अकबर ने दोस्तों इनको जमीन है जो कि डोनेट करी थी गोल्डन टेम्पल के लिए, और अमृतसर इन्होंने बनाया। फिर अर्जन देव जी आते ना, उन्होंने दोस्तों हरमिंदर साहब की दोस्तों शुरुआत करी, उन्होंने बनाया। ठीक है, चलिए। हाल ही में इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल्स प्रोडक्ट कल्टीवेशन की आधारशिला डैश में रखी गई है। तो ये जो आधारशिला रखी गई है, ये कहाँ पे? आसाम के अंदर रखी गई है। तो सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 10 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, और इजरायली टेक्नोलॉजी के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे वेजिटेबल जो है उगाने को लेकर बात करी जा रही है। इसराइल की बात करें तो आप देख सकते हैं कितना छोटा सा कंट्री है, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। रैवलिन प्रेसिडेंट है, कैनसेट इसकी पार्लियामेंट को कहते हैं, जेरूसलम कैपिटल। बेंजामिन नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर है, और शेकल यहाँ पे करेंसी है, हिब्रू है जो कि यहाँ पे भाषा चलती है। ओके, आसाम की बात करें, फर्स्ट स्टेट इन कंट्री जहां पर क्रूड ऑयल निकाला गया, डिगबोई के अंदर। गुवाहाटी टी ऑक्शन सेंटर दोस्तों दिसपुर बड़ा फेमस है उसके लिए। आसाम 15% वर्ल्ड की टी का प्रोडक्शन करता है, और 55% इंडिया का। सोचिए कितनी टी प्रोड्यूस होती है। कामाख्या टेम्पल दोस्तों बड़ा फेमस है हमारे यहाँ पे आसाम के अंदर। जब भी आप ट्रैवल करना चाहते हो तो जाते हो तो सबसे पहले कामाख्या टेम्पल में ढोक लगा के जाते हो। ओके, इसके अलावा आसामी गोल्डन सिल्क जो है मूगा, वो भी यहाँ पे बड़ा फेमस है। बिहू बड़ा फेमस है, अम्बुबाची फेस्टिवल, माजुली फेस्टिवल, दिहांग। और यहाँ पे तैमूर जो फर्स्ट ओनली वुमेन चीफ मिनिस्टर इतिहास की रही, उनकी अभी कुछ टाइम पहले मृत्यु हो गई। सनातन जी का दोस्तों मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन होची दोस्तों स्कीम लॉन्च करी गई है, स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी बनाने को लेकर बोला जा रहा है। आंट ग्रुप की दोहरी सूची में लगभग 35 बिलियन अमेरिकन डॉलर मूल्य का विश्व का सबसे बड़ा आईपीओ डैश में स्थगित कर दिया गया है। तो आंट ग्रुप की जो दोहरी सूची में 35 बिलियन डॉलर का दोस्तों आईपीओ लॉन्च किया जा रहा था, स्थगित कर दिया गया है। कहाँ पे? चाइना के अंदर। ओके गाइस, तो चाइनीज फिनटेक जाइंट कंपनी है एंट ग्रुप, ओके, जो कि शंघाई के अंदर लिस्टेड है, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में भी है, तो उसको डिले कर दिया गया है। ओके, आईपीओ का मतलब क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब पहली बार मार्केट में किसी भी कंपनी के शेयर आते हैं ना, तब हम उसको आईपीओ कहते हैं। ठीक है गाइस, चलिए। एंट ग्रुप की बात करें तो एंट फाइनेंशियल अलीपे इसको कहते हैं, चाइनीज अलीबाबा ग्रुप है ना, उसी की एक दोस्तों कंपनी है। ओके, एंट ग्रुप जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट वैल्यूड फिनटेक कंपनी है, मोस्ट वैल्यूएबल यूनिकॉर्न कंपनी है। यूनिकॉर्न का मतलब जो कि बिलियन डॉलर की होती है, 1 बिलियन डॉलर 7-7.5 हजार करोड़ की। ओके, और सीमोन है जो कि अभी इसके सीईओ है, हैंगशू में इसका हेडक्वार्टर है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने मैक्स लाइफ के साथ 19% के संशोधित हिस्सेदारी अधिग्रहण समझौते पर घोषणा करी है? तो एक्विजिशन एग्रीमेंट दोस्तों जो मैक्स लाइफ का हुआ है ना, वो एक्सिस के साथ में हुआ है। तो सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पे एक्सिस की बात देख सकते हैं, 1993 में जन्म हुआ एक्सिस का, मुंबई में हेडक्वार्टर है। मखीजा जी है जो कि अभी चेयरपर्सन है, और एमडी की बात करें तो अमिताभ चौधरी एमडी एंड सीईओ। शेन वॉटसन औपचारिक रूप से क्रिकेट के सभी रूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा करी। वॉटसन निम्नलिखित में से किस टीम से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलते थे? वॉटसन सभी को मालूम है यार, बच्चे बच्चे को, ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही जबरदस्त प्लेयर रहे हैं। ओके, 59 टेस्ट, 190 ओडीआई, 58 टी20 खेले हैं, वर्ल्ड कप जीता है इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के साथ में 2015 में। ठीक है, कैनबरा कैपिटल है, डॉलर करेंसी चलती है, स्कॉट मॉरिसन यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर है, आपको मालूम है ऑस्ट्रेलिया के बारे में। इसके अलावा मेरी फ्री क्लासेस दोस्तों 10 बजे है यूपीएससी की, ज्वाइन कर लेना अनअकैडमी स्पेशल सेशन पे,
और आज दिन में 1 बजे है दोस्तों 3 मंथ चैलेंज की क्लास, ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ, ज्वाइन कर लेना, मजा आ जाएगा। ठीक है गाइज, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना है BHU 10 आपको मालूम है, या फिर Bhuvnesh 10 आप डाल सकते हैं रेफरल कोड में, 10% ऑफ मिल जाएगा। फाउंडेशन बैच चल रहा है दोस्तों जीके का, कंप्लीट जीके के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। करना कुछ नहीं है, गोल सेलेक्ट करो, गेट सब्सक्रिप्शन में जाओ, 12 महीने का सेलेक्ट करो, रेफरल कोड में जाके BHU 10 लगा दो, या तो या फिर BHU NESH Bhuvnesh 10 लगा के अप्लाई कर दो। क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में आशीष कक्कड़ जी का निधन हो गया, वह एक डैश थे, तो आशीष कक्कड़ जी के बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो ये था आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन, मिलते हैं 8वीं वाली क्लास में। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।